Hi everyone, this is Mayank Kotharia, and in this video I'm going to tell you a couple of things that you should take care of while writing today's paper. आपके जस्ट एक ही अटेम्प्ट पहले मई 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें जितने बच्चे बैठे थे उनमें से कुछ बच्चे 5, 10, 15 इन लोगों से मैंने उनकी स्कैन कॉपीज़ बुलवाई जो क्लियर नहीं हो पाए और इनकी स्कैन कॉपीज़ मैंने चेक की और मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन रहा है जो कि मुझे बताना ज़रूरी लगा आप लोगों को, बिकॉज़ ये चीज़ें हर कोई करता है, ये मिस्टेक्स हर कोई करता है और उससे तकरीबन तकरीबन 10 मार्क्स तक का नुकसान हो सकता है एंड इवन बिगर देन दैट. सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ दोज मिस्टेक्स. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ गलती बच्चों की ही रहती है, इंस्टीट्यूट की नहीं. तो जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो 95% फेयर होते हैं. सो कभी भी अगर आपको पुराने टाइम में मार्क्स मिले या आगे भी मिलने वाले हैं तो मेक मतलब आप उसमें ये रख सकते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है. सेकंड थिंग, दो ही चीज़ें मेरे को लगी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स खा रही थी, वो है एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी. कंसेप्ट्स वीक थे इसलिए आप गलती कर बैठते हो और आपके मार्क्स कट जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं तो सही करके आया था. दूसरी चीज़ सिली मिस्टेक. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिकॉज देर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट टू अगेन गो बैक एंड स्टडी एंड रीड द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग. यू हैव ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग टिल नाउ, बट देर आर कपल ऑफ थिंग्स जो आप इस वीडियो के बाद दिमाग में रख सकते हैं जो कि आपके 10 मार्क्स और बढ़ा सकती है. दीज आर अबाउट द सिली मिस्टेक्स. आप यकीन भी नहीं करेंगे, आप जब पेपर लिख के आते हैं तब आप ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर पाते हैं जो कि आप बाद में अगर आपको पता चले तो आपको रियलाइज होगा कि आपने ये क्या किया. अगेन उस 10 मार्क्स के बढ़ जाने से शायद आपके 6 महीने बच सकते थे. तो आपने पूरी मेहनत कर ली, 2 साल तक क्लासेस अच्छे से लगा ली, आपके टीचर्स ने भी आपके साथ दे दिया, आपने के घर वालों ने भी आपका साथ दे दिया, लेकिन सर आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स करके आए जो कि आपके 6 महीने बर्बाद कर सकती है. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल यू दीज पेपर एंड वॉट आर द मिस्टेक्स. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी फर्दर टाइम फॉर दैट. लेट्स हैव अ लुक. आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 4 स्कैन कॉपीज है और नीचे में ये एक है. मैं शुरू करता हूँ इस 4th कॉपी से. ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पेज पे आता हूँ. सो इनकी स्कैन को इनकी कॉपीज जो आंसर शीट है मैंने चेक की थी इनमें. यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने, अच्छा ये तो मैंने उनको सजेशन जो दिए थे वो है. अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो इन्होंने तकरीबन 11 मार्क गवाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक्स. एंड व्हाट आर दोस सिली मिस्टेक्स आई एम गोइंग टू टेल यू. ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है. ये कैलकुलेशन है आपका. यहाँ पे क्लियरली 150 प्लस 45 यानी कि 195 इन्होंने करना चाहिए था, ये 190 लिख के आए हैं. दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक और ये फर्स्ट स्टेप पे हुई है. हुआ क्या इससे कि यहाँ से आंसर गलत हुआ और आगे सारे आंसर गलत हो गए, 0 मार्क्स. कितने मार्क्स का नुकसान हुआ? 5 मार्क का, जस्ट बिकॉज 195 का आपने 190 लिखा. यहाँ पे आ जाओ और एक मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ. ये कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे डर्टी प्राइस वाला, अगर आपको क्वेश्चन पता हो तो, ठीक है. ये 107 का कैलकुलेशन कर रहे थे, उसके लिए ये फिगर्स लेनी थी, ठीक है. ये आपने 100 रुपये की प्राइस ली, 10% का इंटरेस्ट रेट लिया और डेज में निकालना था. तो इन्होंने आई थिंक, ये मेरे को पढ़ने में भी नहीं आ रहा क्या है, ये 292 है या 272 है, बट दे ही मेड अ मिस्टेक. ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 262 की वैल्यूज़, या डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ था अगर आप 262 रखते तो आपका आंसर सही आता. हुआ क्या, अगेन दिस इज़ द मिस्टेक एट द फर्स्ट स्टेप और फाइनल आंसर थोड़ा सा गड़बड़ा गया और आगे के सारे आंसर गड़बड़ आ गए. यू लॉस्ट 4 मार्क्स इन दैट. कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक्स आ गए और मैं आपको बताऊंगा. स्वैप रेशियो वाला एक क्वेश्चन आया था, याद है आपको? नहीं, प्रिफरेंस शेयर्स कन्वर्जन वैल्यू वाला एक क्वेश्चन आया था. अगर आपने अटेम्प्ट दिया हो या फिर आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको कुछ याद होगा. वहां पे रेशियो था 1:2:1 का था रेशियो और इन्होंने यहाँ पे 1:2 लिखा. इट्स एक्चुअली ए सिली मिस्टेक. आपने 1:2 उसको पढ़ लिया
एक्चुअली वो था 2:1 और उससे गड़बड़ हो गई। आगे क्या हुआ, अगेन दिस इज द मिस्टेक एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, इससे आगे के सारे आंसर गलत हुए और आपने कितने मार्क्स गवाए उससे, तकरीबन 2 से 4 मार्क्स कुछ तो है यहाँ पे गवा दिए। तो ये इतनी ये जो मिस्टेक्स है इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। देख लो आप यहाँ पे, यहाँ पे आपने 100 × 2 करना, सॉरी यहाँ पे फिगर 16 आनी चाहिए थी, आपकी फिगर 8 आई है क्योंकि आपने रेशियो बदल दिया। और आपको का मार्क्स कितने मिले, तो सर 0, अगेन लॉस द मार्क्स। खैर ये मैंने सिली मिस्टेक्स में नहीं पकड़ा है, कैलकुलेशन करना था रिटर्न, ठीक है, टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना था, और टोटल रिक्वायर्ड रिटर्न में इन्होंने सिर्फ कैपिटल, सॉरी इन्होंने सिर्फ डिविडेंड को इनकम माना, कैपिटल एप्रिसिएशन लेना भूल गए, सिर्फ डिविडेंड को इनकम माना, कैपिटल एप्रिसिएशन लेना भूल गए पूरी तरह से। सो बाकी सारी स्टेप्स बराबर है, फॉर्मूलेज भी बराबर है, लेकिन कंसेप्ट में मिस्टेक कि कैपिटल एप्रिसिएशन भी इनकम होता है। हो सकता है कि सर ये गलती उनको पता भी होगी, किसका पेपर है नहीं पता, अभी नाम नहीं लिखा हुआ, सो उनको पता भी होगी गलती, या उनको पता भी होगा कि यार हाँ कैपिटल एप्रिसिएशन भी इनकम होता है, लेकिन ऐसी गलती एग्जाम में क्यों होती है, क्योंकि आपके पास में ना टाइम कंस्ट्रेंट होता है और आप प्रेशर में रहते हो, ये सारी मिस्टेक्स इसी वजह से होती है। ये पेपर खत्म, दूसरा पेपर शुरू करता हूँ। क्या हो गया भाई, दूसरा पेपर देखिए, सिली मिस्टेक्स, इनके कितने मार्क्स आए टोटल, अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इनके टोटल है 48 मार्क्स, टोटल आपको देख सकते हो आप 48 मार्क्स आए हैं यहाँ पे, और इन्होंने सिली मिस्टेक से कितने मार्क्स गवाए, 13 मार्क्स ही लॉस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक्स। 48 में अगर 13 ऐड करते 61 मार्क्स आते, एग्जेम्प्ट हो जाता पेपर, 6 महीने वापस नहीं पढ़ना पड़ता। क्यों, कोई कंटेंट कम था ऐसा नहीं है, किताबें कम थी नहीं है, पढ़ा कम था नहीं, सिली मिस्टेक्स, व्हाट आर दो सिली मिस्टेक्स इन इस पेपर, लेट्स हैव अ लुक, ध्यान दो। अब सर बताओ, ये भी वही कन्वर्जन प्रीमियम वाला क्वेश्चन था। अब इसमें आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि, सॉरी क्लियरली दिख रहा है कि इनकम अर्निंग्स कितनी है, 60 लाख, 10 लाख × 6, 60 लाख। फिर भी नीचे कैलकुलेशन करते समय पे इन्होंने कहीं और से ये अर्निंग लेके आई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बदल दिया, ठीक है, और ये यहाँ से सारी मिस्टेक्स होना शुरू हो गई। 66 लाख 40 थाउजेंड, 86 लाख 40 थाउजेंड, देर इज नो बेस फॉर दैट, एंड हाउ मच यू लॉस्ट फॉर दैट, 5 मार्क्स। अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। बहुत जगह पे प्रैक्टिस मैनुअल आपने नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स कम थे, क्लियरली समझ में आता है। यहाँ देख लो, इन्होंने मार्केट प्राइस निकाली है 70 रुपये इस क्वेश्चन में, ठीक है, कैलकुलेशन सही किया, अर्निंग पर शेयर इनटू पी रेशियो ही मार्केट प्राइस होता 70 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी मार्केट प्राइस दी हुई थी 56, वो यूज़ करनी थी, अननेसेसरी निकालने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा टाइम गया, एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और उससे मार्क्स कट गए। कितने मार्क्स कटे सर, 3 मार्क्स, सीधा सीधा, क्योंकि आगे भी कैलकुलेशन पे फर्क पड़ता है, और सबसे पहले अगर आप गलती करोगे ना फर्स्ट स्टेज पे, समझ लेना पूरे के पूरे आगे मार्क्स कटेंगे। आ जाओ यहाँ पे दिखाता हूँ, फॉरेक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सी मिस्टेक है। मार्जिन पता है, मार्जिन होता है आपको, मार्जिन लगता है कुछ कुछ क्वेश्चन में, आपने अगर पढ़ा होगा तो 0.86% मार्जिन है, तो मार्जिन 0.86% लगता है, ये तो समझ में आया। ध्यान दो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 61.2342 पे 0.86% मार्जिन लगाने की बजाय इन्होंने 61.23 पे 0.86 ऐड कर दिया, ऐड किया है, लेस किया है, ऐड किया आई थिंक, फिर भी इनका कैलकुलेशन ही अजीब आ रहा है। लेकिन यहाँ पे या तो इन्होंने ऐड कर दिया 0.86, या तो फिर इन्होंने जो कैलकुलेशन किया है उसमें कैलकुलेटर में मिस्टेक्स की है कहीं ना कहीं, तो जाके आपके 5 मार्क्स पूरे कट गए, बस सिंपल सी कैलकुलेटर मिस्टेक, 5 मार्क खत्म। चलो इनका पेपर भी हो गया, आपको मैंने ये दिखाया भी है यहाँ पे, इन्होंने, इनको 48 मार्क्स आए हैं जिनमें 13 मार्क्स की
सिली मिस्टेक्स है। एंड इनफैक्ट अगर अब मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करूँ, पीएम की प्रैक्टिस ना होने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन पीएम से ही आए थे, ठीक है। अगर आपने पीएम प्रैक्टिस मैनुअल प्रॉपरली की होती तो तकरीबन 28 मार्क के आसपास और बढ़ सकते थे, 28 है 20 है कुछ तो। आगे बताता हूँ, इन भाई साहब ने सिर्फ 5 मार्क की सिली मिस्टेक्स की है, तो ज़्यादा कुछ इसमें मिलेगा नहीं अपन को, फिर भी एक बार देख लेते कहाँ है। हाँ, एक इंस्टीट्यूट की मैं गलती ज़रूर बताऊँगा यहाँ पे, हर बार बच्चों की गलती नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन ना इनका सही था, क्वेश्चन नंबर 6 से वाला पूरा क्वेश्चन सही है, कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं है, फिर भी इंस्टीट्यूट ने उनको सिर्फ 6 मार्क्स दिए हैं नीचे में आप देख सकते हैं, जबकि 8 में से 8 मिलने चाहिए थे। और उससे हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ, इनके टोटल देखना 59 है, अगर ये 2 मार्क्स बढ़ जाते तो इनका एग्जामेशन आ जाता। कोई बात नहीं सर, इंस्टीट्यूट गलती करती है तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम गलती करें तो उनको तो सुधार सकते हैं। सिली मिस्टेक से 5 मार्क गवाए। यहाँ पे इन्होंने लीजिंग के क्वेश्चन में कुछ गलती की है। हाँ, गलती बताता हूँ मैं क्या है, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट होती है, इस इंस्टॉलमेंट अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होता है। वो तो खैर ठीक है, लिया ही लिया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 4,43,084 का इंटरेस्ट भी वापस लिया, मतलब आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट लिया। सो टैक्स सेविंग तो आ गई, लेकिन इंटरेस्ट वापस से कंसिडर हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ पे डबल डबल आ गया, मार्क्स कट गए। सो ये एक गलती है। लास्ट पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मैं खाऊंगा नहीं। इन्होंने सिली मिस्टेक्स से 19 मार्क्स गवाए सर, इनकी मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ। वही 0.86% वाला फॉरेक्स का जो क्वेश्चन था इन्होंने भी सॉल्व किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने सॉल्व जो किया ना यहाँ पे, ये इन्होंने पहले 0.86 करके बराबर बराबर वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ इन्होंने निकाली थी ये प्रॉपर थी, फाइनल आंसर भी सही था, लेकिन बाद में इन्होंने पता नहीं इनके दिमाग में आया कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, इन्होंने वो सब काट दिया और फिर 0.15% का मार्जिन लगाया और सारा आंसर गलत हो गया। एंड कितने मार्क्स सर, 7 मार्क्स इसकी वजह से कट गए, क्योंकि आगे के सारे कैलकुलेशन सही थे, बस उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। आगे लीजिंग का क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखना। मई 2017 में जो लीजिंग का क्वेश्चन आया था, लीजिंग के क्वेश्चन में क्लियरली वर्ड लिखा हुआ था कि डिस्काउंट रेट 14% है, 14% डिस्काउंट रेट है। खैर ठीक है, वो तो इग्नोर कर दिया और अपन ने अपने ही मन से एक डिस्काउंट रेट ले लिया 7.92%, आई थिंक उन्होंने कहा कॉस्ट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो सर, एक मिस्टेक सिर्फ डिस्काउंट रेट अलग लिया, सारे फिगर्स गलत हुए, 7 मार्क्स घुस गए, 7 और 7 14 मार्क्स तो मैंने आपको यहीं दिखा दिए, पूरे क्वेश्चन की लग जाती है, आपकी लगती है अलग 6 महीने से, और नहीं तो रिटर्न कैलकुलेट करना था सर, 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2B था, रिटर्न कैलकुलेट करना था, आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, कैलकुलेटर की गलती है। कितने मार्क्स घुस गए, 5 मार्क्स अंदर घुस गए पूरे के पूरे, आंसर गलत आया। ये छोड़ देना, इंस्टीट्यूट ने इसमें अगर आपने रुपीज़ में आंसर निकाला होगा या परसेंटेज में निकाला होगा क्वेश्चन नंबर 2B में, तो भी मार्क्स दिए दोनों में, तो ये तो खैर ठीक है, लेकिन प्रॉपर आंसर शुड बी इन परसेंटेज, बट फिर भी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की 5 मार्क्स अंदर, कैलकुलेटर वाली मिस्टेक्स। सो ये मैंने आपको दिखा दिया, 7 और 7 14 5 और 1 2 जगह कहीं गलती थी, वो 19 मार्क्स इज नॉट गुड टू लूज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक्स। इनको टोटल कितना आया सर, आप ध्यान दो ना, 45 मार्क्स टोटल आए हैं सर, क्या 45 मार्क्स में 19 मार्क्स अगर इनके बढ़ जाते तो एग्जम्पशन नहीं आ जाता। दो केसेस मैंने आपको बता दिए जो एग्जम्पशन आ सकता था अगर सिली मिस्टेक्स अवॉइड करते थे तो।
48 में 13, ये भी वही था सिली मिस्टेक्स अगर अवॉइड करते तो। तीन पेपर इनफैक्ट मैंने बताया चार में से, अगर मैं सिली मिस्टेक्स अवॉइड करता तो मैं बढ़ा सकता था मेरे मार्क्स। ये पहला वाला मैं देख लेता हूँ, पहले वाले में इनको कितने आए, पहले वाले में इनको 41 मार्क्स आए हैं और इन्होंने 11 मार्क्स। चलो ठीक है, एग्जम्पशन नहीं आता, शायद हो सकता है ग्रुप क्लियर हो जाता क्योंकि पास तो थे ही। 11 मार्क्स, 19 मार्क्स, कितना 13 मार्क्स, एग्जम्पशन आ सकते थे, ग्रुप क्लियर हो सकता था, लेकिन आपने ये मिस्टेक्स की। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट डू ऑल दीज मिस्टेक्स, अवॉइड दीज मिस्टेक्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ये चीज़ें ध्यान में रख लो, मैं बता रहा हूँ 10 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे और बाकी पढ़ा हुआ अलग रह जाएगा। सो आई होप यू हैव रेड ऑल द कंटेंट वेरी वेल एंड यू आर प्रिटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर एग्ज़ाम पेपर। जस्ट मेक श्योर दैट यू ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन दिस नंबर, कैसा आपका पेपर रहा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। बाय बाय।